चलो जी, आज का व्लॉग किस बारे में आपका? हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक जी? मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एवन हूँ। तो आज मैं अपना ये पुराना जो बैग था मेरा, बस बेचारे के हैंड हो गया, छुट्टी हो गई इनके, तकरीबन ख़त्म हो गया। तो मैं बैग चेंज करने लगी थी, नया बैग मैंने लिया मंगवाया हुआ, मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे, तो बस मेरा दिल ही चाह रहा था। तो इसमें से चीज़ें निकालने लगी तो मेरी बेटी कहने लगी, बीजान बैग में रखती क्या कहेंगे, इतना बड़ा सा बैग जहाँ जाती है वाला मैं बैग लेके जाती हूँ। एक तो सर कलर मेरे तमाम सूटों के साथ मैच करते हैं, इनके अक्सर के साथ यूजली ये मैच करता है, आपको पता है ये वाला जो कलर होता है। और दूसरा ये कि इतना कम्फर्टेबल सा है ना, सॉफ्ट सा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसको उठाना भी ईजी भी रहता है, सबके साथ मैचिंग भी जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला बैग। मुझे बहुत ही मैंने यूज़ किया इसको, कि अभी यहाँ से बस ख़राब होना शुरू हो गया, इसी वजह से इस बैग का बताएंगे। तो मेरी बेटी पूछी थी कि आप इसमें क्या क्या रखती हैं जो इतना डिटेल किया होता है, तो मैंने सोचा इसके ब्लॉग बनाती हूँ कि देखिए आप मेरे बैग में है क्या क्या। क्योंकि आपने देखे जी, हर एक एज का एक एरा होता है, यानी कि आप जो टीनेजर होती हैं, फिर ठीक है गर्ल्स होती हैं, और फिर एजेड होती हैं, जिस समय हम सब एजेड ही होगी ना, ठीक है एजेड में पता नहीं शुमार हो गई हूँ, हाँ शुमार हो गई बस, ठीक है तकरीबन ना, तो मतलब मेरी ये चीज़ होती है वो क्या चीज़ बैग में रहती है, ठीक है ना, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए जी मेरे बैग में क्या क्या निकलेगा, दिखाते हैं आपको जी। बिस्मिल्लाह, ये मेरा बड़ा प्यारा बैग। अच्छा जी, मेरे बैग में क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, ये मेरा वॉलेट है, इसमें मैं अपने पैसे रखती हूँ, ये मैं इसमें मैं पैसे डाल के ना इसको हमेशा अपने बैग में तैयार रखती हूँ, डॉक्टर के जाना हो, मैंने बाहर जाना हो, कहीं पर भी ना बेटा बैठ के बताइए, ठीक है ये हो गया। और फिर मैं एक ये पानी की बॉटल रास्ते से ले लेती हूँ, अगर नाउ मिनरल वाटर, लेकिन घर से अपने मस्ट ये लेके जाती हूँ, मैं इसमें पानी डालती हूँ, ये मेरी शुरू की आदत है, मैं पानी ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। और ये दो किस्म के देखिए, मैं आजकल बहुत गर्मी में टॉवल वाले हैंकीज ज़रूर रखती हूँ, चाहे मैंने बेशक टिशू पेपर्स भी रखे हों, या फिर टिशू तो होता है मेरे पास, लेकिन मेरी टॉवल हैंकीज भी मस्ट है मेरे पास ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, बाहर निकलो तो समझ आती है ना गर्मी, ऐसे लग रहा जाती गर्मी दोबारा आ रही है, इतने पूरे महीनों मतलब 3-4 महीने गर्मी नहीं पड़ी जितनी तकरीबन 8-10 दिन पड़ी है ना। तो अब ये देखिए जी, ये मेरा लेंस केस, और मैं लेंस सोल्यूशन ज़रूर साथ रखती हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती हूँ, तो हमेशा बाहर आंधी या कुछ ऐसी हो गया या कुछ चला गया तो मैं अपना लेंस सोल्यूशन और लेंस केस इसमें होता है वो मेरा मस्त पास होता है। और इसी तरह इसी से रिलेटेड एक चीज़ मुझे सन ग्लासेस है मेरी, ये भी मैं एक पाउच रखा होता है, इसमें मेरे पैसे और कुछ इसी तरह की चीज़ें रखी होती हैं। एक हाँ मैं इतनी ये सन ग्लासेस मस्ट रखती हूँ, क्योंकि मैं ये लगाती भी हूँ ना सन ग्लासेस, धूप होती लेंसेज लगाती हूँ, तो आपको पता ही है तो ये लगानी पड़ती है। तो देखिए अगर मुझे वही सूट करती है, ये देखिए जी कैसी है मेरी ये ग्लासेस। अच्छा, ये जो सन ग्लासेस है ये मुझे गिफ्ट मिली है, और ये किसने गिफ्ट दिए, ये बड़ी बड़ी प्यारी सी मेरी बेटी ने दी थी, क्योंकि ये मेरी बेटी का से मेरा गिफ्ट था, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि गर्मी है, लेंसेज यूज़ करते जो भी उन्हें सन ग्लासेस तो मस्ट है, आपको पता धूप में लगानी होती है, ठीक है, और वैसे भी लगानी चाहिए लेकिन अच्छी क्वालिटी की लगानी चाहिए, इस वजह से इसके ग्लास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि वरना आँखों पर वो नुकसान होता है, आँखों को नुकसान होता है अगर घटिया ये चीप से लगा लेना, जो मतलब बहुत ही हल्की प्राइस के मिलते हैं वो आँखों के लिए नुकसानदेह होते हैं, इससे बेहतर भी ना लगाएं, लगाएं तो अच्छे वाले लगाएं, डॉक्टर से स्पेशली जाकर पूछ कर आप कौन से वाले आपने लगाने हैं, आप आई से वी के उसके मुताबिक लगाएं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को वेल्डिंग के लिए ज़रूरत हो तो फिर भी मुझसे रुजू कर सकते हैं कि ग्लासेस, क्योंकि हमारे टाइम में जब छोटे होते थे हम शैतानी यही करते थे सब एक दूसरे को ना, कोई वेल्डिंग करने जा रही हो, वेल्डिंग करने जा रही हो, कॉलेज जब जाते थे जब हम एक दूसरे को ना यही कहते थे बस जो वेल्डिंग करके आ रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये वाली होगी मेरे पास, और एक मेरे पास होता है ये मास्क वाला बैग ना, इसमें मेरा पुराना मास्क भी और मैं नए भी लेके इसमें रखती हूँ कि जब भी मुझे चाहिए होता है मैं इसमें से एक मास्क निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये मास्क का एक बैग होता है जो 5-6 इसमें होती है मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, और जो आपको पता है स्टेज में कभी शुगर लो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, एक मैं ये रखती हूँ वो तो बिस्किट, ये मास्क है ये मेरे पास, ये मुझे बड़े पसंद है, ठीक है, कि वो तो बिस्किट रख लेती हूँ मैं। और एक मेरे पास ये ज़ीरा प्लस भी होता है, कभी मेरा अगर मतलब ज़ाहिर बात नमकीन का भी चाहता है तो मैं कभी ये ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें मैंने बताया अवॉइड करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि फ़लाँ शॉप बहुत अच्छी है, फ़लाँ रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर आके कुछ खाऊँ, बाहर की चीज़ ना खाऊँ, स्पेशली गर्मियों में बिल्कुल नहीं खाती, वैसे तो चलो खा ही लेता मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं खाती, और गर्मियों में घर आके खाती हूँ, जब तक हाथ ना धोऊँ खुद ना हाथ से बनाऊँ जब तक मैं नहीं खाती। और ये बिस्किट के ये होता है कि चले जी वो बने हुए उसमें, तो मैं ये बिस्किट अपने पास की धोती हूँ, मेरे पास होती है हमेशा हमेशा। और एक दो मैं कपड़ों की हैंकी भी रखती हूँ ग्लासेस वगैरह साफ करने के लिए ना। और दूसरा मेरे पास ये एक मैं परफ्यूम रखती हूँ, आपको पता है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कभी कहीं जाना है तो मैं कभी किसी घर गई या कहीं है तो मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ बॉडी स्प्रे। और ये दो चीज़ें जो मेरे पास रहती है, मेरा मेकअप बस ये है, मैंने आपको पता है बॉडी स्प्रे और ये तो मैं मस्ट है। और ये है जो मेरी मेन चीज़ है वो फेयर एंड लवली है, मेरी एज की खातन क्या, मेरे तो ख्याल है कि टीनेजर्स लड़कियाँ सभी लगाती होंगी, लेकिन मेरी वालदा बताती है ना कि हमारे टाइम में ना तिब्बत क्रीम होती थी,
उसका नाम तिब्बत क्रीम होता था, वो ऐसी होती है जैसे आपकी फेयर एंड लवली, हमारी फेयर एंड लवली को देखे वो कहती हैं इस तरह फेयर एंड लवली की तरह से आप लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, हम लोग जो थे वो तिब्बत क्रीम लगाते थे ना उस वक्त वही। तो मेरा मेकअप यही होता है, मैं ये फेयर एंड लवली लगाती हूँ और लाइट सी लिपस्टिक ब्रश से बस टच दिया और बस ये मेरा मेकअप है। मैं शादियों पर जाऊँ कहीं पर बस मेरा ये मेकअप रह गया। और क्या चीज़ें, हाँ एक साइज बॉन्ड ये अक्सर मेरे पास पड़े होते हैं तो पड़ी रहती है, तो ये चीज़ें होती हैं मेरे बैग में। और कुछ कुछ कार्ड्स वगैरह हो जाते हैं मेरे बैग में, अरे ये मेरे फाइव पॉइंट हैं, बस फाइव पॉइंट होते हैं। देखिए आपने मेरे पास बस ये होता है, ये फिर लवली होगी ये दो मेरे हो गए, एक परफ्यूम हो गया, एक मेरा बॉडी स्प्रे हो गया, ठीक है। और ये वाला मेरा पाउच होता है, ये मेरा लेंस सॉल्यूशन होता है, ये मेरी सन ग्लासेस, और ये भी मेरा पास होता है, इसमें मेरे कुछ पैसे होते हैं, मेरा कार्ड वगैरह एटीएम होता है। और ये देखिए जी, ये मेरी पानी की बॉटल होती है, ये मेरा हैंकी होता है, ये मेरे बिस्किट्स होते हैं, ये मस्त है, कभी दिल चाहता है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। और ये मेरे मास्क होते हैं और दो टॉवल के हैं, ये टॉवल और हैंकीज होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये मास्क है, ये चीज़ें होती है जी मेरे बैग में। आप लोग समझ रहे होंगे आईलाइनर निकलेगा, आप लोग समझोगे लिपस्टिक निकलेगी, फेस पाउडर निकलेगा, फाउंडेशन निकलेगा, लेकिन नहीं जी नहीं, ये चीज़ें मैंने बहुत कर ली इस्तेमाल और उसकी एज बहुत पीछे रह गई है, वो एज मेरी निकल गई है। बस अब मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, यही चीज़ें मेरे बैग में होती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं वैसे भी बैग खाली करने लगी तो एकदम से मुझे आगे आया कि मेरी बेटी ने पूछा कि आपके बैग में होता क्या क्या कुछ सा है भिजाना, आपने इतना ही बड़ा सा आपका बैग आप लेकर जाती हूँ। तो मैंने कहा ठहरे बेटा आपको बताती हूँ क्या होता है, मैं बैग खाली करने लगी आपको बताती भी हूँ। ऐसे ये बैग मुझे बहुत पसंद था, तो बस ये एंड ही हो गया इस बैग का भी, ये बस ख़राब होना शुरू हो गया, इंशाल्लाह तला नया बैग यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं चीज़ें लेती, मैंने आपको बताया ना एक दो चीज़ रख ली क्योंकि संभालना मुझे बड़ा मसला लगता है। तो अभी बस सिल्वर कलर का बड़ा प्यारा सा बैग लिया, वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी, अब ये चीज़ें मेरी उस बैग में चली जाएंगी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी आपने करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।